हमारे स्मार्टफोन के अंदर वॉल्यूम की आपको देखने को मिल जाती है, वॉल्यूम डाउन बटन, अप बटन, और इससे आप क्या यूज करते होंगे वॉल्यूम बटन से, सिर्फ और सिर्फ आवाज वगैरह आप बढ़ाते होंगे अपने वॉल्यूम की से। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर बहुत ही कमाल की एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन आप ये ट्रिक के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, ना आपको किसी ने भी बताया होगा। जो तो अपने मोबाइल की वॉल्यूम की से बहुत ही कमाल की ट्रिक कर सकते हैं, जो आप सभी के लिए डे टू डे लाइफ में ये ट्रिक का फायदा उठा सकते हैं, और बहुत ही कमाल की ये ट्रिक होने वाला है। दोस्तों जानना चाहते हैं अपने वॉल्यूम बटन से क्या कमाल की ट्रिक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप सभी को पता चलने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रिक के बारे में। मैं कर लेता हूँ ओपन कर ही देता है। जैसे कि दोस्तों मान लेता हूँ कि यहाँ व्हाट्सएप को आप अपने मोबाइल को देंगे अपने फ्रेंड को, तो सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करेगा। जैसे ही व्हाट्सएप को ओपन करेगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, पिक्चर आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो कुछ इस तरह से बताएगा। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस तरह से बताएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम बटन को दो बार प्रेस करेंगे ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये सब मैंने कैसे सेट किया, ऐप लॉक, जी हाँ। तो इस ऐप का लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा, आपको क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर दो बार, तो यहाँ पे नीचे और ऊपर एक करूंगा तो कंफर्म हो चुका, और फिर से नीचे और ऊपर, तो यहाँ पे कंफर्म होने के बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट चुका। तो यहाँ पे क्रिएट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे एक फॉरगेट पास करने के लिए यहाँ पे आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, और नाम लिखने का सेटअप पे क्लिक कीजिएगा। सेटअप पे क्लिक करने का ये परमिशन यहाँ पे दे देता हूँ, तो चलिए सब एप्लीकेशन को मैं परमिशन दे दिया, सिंपल बैक कर लेना होगा। तो यहाँ पे ढेरों सारे ऐसे ऐप आ जाएंगे, तो वो जो मैंने बताया था, वो मैंने फोटो दिखाया था, वो फोटो को मैंने लिखा था, तो आपको लिख लेना होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सेटअप करके, कि मान लेता हूँ ये मेरा फेसबुक है, फेसबुक को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ताला लॉक कर लीजिएगा। तो आपको चूज करना पड़ेगा जो भी फोटो लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे चलिए मैं गैलरी से कोई भी फोटो ले लेता हूँ। तो ये फोटो को मैंने लगा दिया, देख सकते हैं फेसबुक में। फोटो को लगाने के बाद इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद चलिए यहाँ पे मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ। मैसेंजर खराब हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में खराब नहीं हुआ, जो पासवर्ड डाले थे एक नीचे डाला था मैं, एक ऊपर डाला था। तो ये आपका फेसबुक ओपन हो चुका। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी डाल सकते ताकि कोई भी खोल ना पाए। तो बस यही था आप सभी को बताना था। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों